नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों इंडियन हिस्ट्री का आज दोस्तों ये 15वां लेक्चर है और इस लेक्चर में आज हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं दक्षिण भारत का इतिहास। दोस्तों हमारी जो ये इंडियन हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, इसमें मैं अभी तक आपको उत्तर भारत में जितने भी प्रमुख राजवंश हो चुके हैं, मौर्य साम्राज्य, गुप्त राजवंश, हर्षवर्धन का राज्य, इन सभी राजवंशों के बारे में दोस्तों हम डिटेल्स में चर्चा कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे दक्षिण भारत का इतिहास। और इसी के साथ दक्षिण भारत का जो इतिहास है ये आपका लगभग 4 या 5 वीडियो में आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा। और इसी के साथ दोस्तों हमारा प्राचीन भारत का जो इतिहास है ये कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे मध्य भारत के इतिहास की ओर। तो प्राचीन काल से संबंधित, प्राचीन भारत से संबंधित हिस्ट्री की जितने भी लेक्चर है दोस्तों अभी तक के जो नए अभ्यर्थी है उन लेक्चरों का आप जरूर देखें और अच्छे से आपको नोट्स यहाँ पे तैयार करने हैं और लगातार आप रिवीजन भी करते जाएं, क्योंकि अगर आप बीच में एक भी वीडियो छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको आगे समझ में नहीं आएगा। और दक्षिण भारत का जो इतिहास मैं आरंभ करने वाला हूँ आज से, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ध्यान देने योग्य ये है कि दक्षिण भारत का इतिहास थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा साम्राज्य नहीं है जिसने संपूर्ण दक्षिण भारत में क्या किया, शासन किया। यहाँ पे छोटे छोटे राजवंश आते हैं, छोटे छोटे राजवंशों का उदय होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे चोल राजवंश, इसके बाद इसी जगह पे पल्लव राजवंश आता है, फिर पल्लव राजवंश के बाद इसी जगह पे चोल वंश की दूसरी शाखा का उदय होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखने को मिलता है चालुक्य वंश से संबंधित भी ऐसे इतिहास देखने को मिलता है। तो कुल मिला के ये काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आप बीच में कोई भी वीडियो छोड़ते हैं, तो प्रॉपर दोस्तों आपको यहाँ पे वीडियो देखनी है और प्रॉपर यहाँ पे समझने का प्रयास करना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों दक्षिण भारत का इतिहास, जिसमें हम यहाँ पे आज संगम काल के बारे में जानेंगे। तो क्या है ये संगम काल? देखो संगम काल में हमें 3 राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है। दक्षिण भारत के 3 राजवंश चोल, चेर और पांड्य, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है चोल राजवंश, यहाँ पे ये है चेर राजवंश और ये है आपका पांड्य राजवंश। तो इन 3 राजवंशों के बारे में हमें जानकारी मिलती है संगम काल में, संगम काल में ये 3 राजवंश थे। अब ये संगम काल क्या है, पहले इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। देखो संगम का मतलब होता है, संगम का मतलब क्या होता है, सभा। तो तमिल कवियों द्वारा सभा का एक आयोजन किया जाता था जिसे क्या कहा जाता, संगम कहा जाता था। और इन सभाओं में, इन संगमों में दोस्तों क्या होता था, तमिल साहित्यों की रचना हुई। संगम यानी सभा, ठीक है, संगम या सभा। और ये किसकी सभा है, तमिल कवियों की, तमिल कवियों की सभा आयोजित की जाती थी। बहुत सारे विद्वान जो तमिल कवि थे वो इसमें इस सभा में क्या करते, पार्टिसिपेट करते थे। और यहां पे तमिल साहित्यों की क्या की गई, रचना की गई, तमिल साहित्य। अब दोस्तों ये जो तमिल साहित्य है, इन साहित्यों की रचना कब की गई, संगम काल में, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, संगम साहित्य कहेंगे। और इन संगम साहित्यों से जिन राजवंशों के बारे में दोस्तों जानकारी मिलती है, जो राजवंश उस समय थे उस काल को कहा जाता है संगम काल। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि संगम काल इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो जितने भी यहां पर राजवंश है चोल, चेर, पांड्या, इनकी जानकारी हमें संगम साहित्य से मिलती है। संगम साहित्य क्या है, ये तमिल कवियों द्वारा जो आयोजित सभा होती थी, जो संगम होता था, वहां पर बहुत सारे तमिल साहित्यों की रचना होती थी। और उन तमिल साहित्यों से जैसे आपका शिल्पाधिकारम हो गया, जिसे हमें करिकाल के बारे में जानकारी मिलती है, चोल राजवंश का प्रतापी शासक, करिकाल के बारे में जानकारी मिलती है शिल्पाधिकारम से, ये भी एक तमिल साहित्य है। तो ऐसे ही बहुत सारे तमिल साहित्यों की रचना होती थी इस संगम में और इन्हें संगम साहित्य कहा जाता था। और इसी संगम साहित्य से हमें जानकारी मिलती है संगम काल के बारे में। तो इसीलिए इस काल को क्या कहा जाता है, संगम काल कहा जाता है। और इस संगम काल में 3 राजवंश प्रमुख थे, चोल, चेर और पांड्या। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। तो संगम साहित्य में दक्षिण भारत के 3 राज्यों का उल्लेख मिलता है, चोल, चेर, पांड्या। अब देखो ये जो चोल है इसकी राजधानी थी यहाँ पे उरैयुर, यहाँ पे लगभग इसकी राजधानी थी और इसका नाम था उरैयुर। सबसे मतलब उस समय का शक्तिशाली साम्राज्य था ये चोल राज्य। और उसके बाद अगर हम चेर की बात करें तो चेर की यहाँ पे राजधानी यहाँ पे हुआ करती थी
और चेर की राजधानी दोस्तों करूर, और पांड्या, ये जो पांड्या राजवंश है इसकी राजधानी कहां थी, तो इसकी राजधानी थी मदुरई। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं मदुरई। और यहां पे आपको यह भी ध्यान देना है कि संगम साहित्य, ये जो संगम काल में जितने भी ये संगम हुए, तीन संगम हुए हैं संगम काल में, यानी तीन सभाओं का आयोजन किया गया है, और इन तीनों संगमों का या इन तीनों सभाओं का संरक्षण किसने दिया, उनको पांड्य राजवंश ने, यानी तीनों संगमों को संरक्षण किस राजवंश का प्राप्त था, तो वो था दोस्तों पांड्य राजवंश का। ये आपको विशेष तौर पर नोट करना है। अब देखते हैं कौन कौन थे ये तीन संगम। तो प्रथम संगम जब हुआ था, ये कहां हुआ था, मदुरई में, और मदुरई किसकी राजधानी है, पांड्य राजवंश की राजधानी है। तो इससे आप लगा सकते हैं कि पांड्य राजवंश ने इन तीनों संगमों को संरक्षण दिया था, इनके निगरानी में ये संगम हुए थे। और इस प्रथम संगम जो कि मदुरई में आयोजित किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने की, ऋषि अगस्त्य ने। उसके बाद द्वितीय संगम, ये आपका हुआ था कपाटपुरम में, स्थान पूछा जा सकता है और अध्यक्ष भी पूछे जा सकते हैं, और इसकी अध्यक्षता भी किसने की, ऋषि अगस्त्य ने। उसके बाद दोस्तों तृतीय संगम आयोजित किया गया था मदुरई में ही, और इसकी अध्यक्षता भी किसने की, नकीरर ने। ठीक है, दो संगम की अध्यक्षता की ऋषि अगस्त्य ने, और जो अंतिम संगम था उसकी अध्यक्षता किसने की, नकीरर ने। अब यहाँ पे द्वितीय संगम है, इसमें एक विशेष महत्वपूर्ण तमिल साहित्य की रचना हुई है, तोलकापियम। तोलकापियम ये भी क्या है, तमिल साहित्य है, काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आप इसको लिख रहा हूं, क्योंकि वैसे तो प्रत्येक संगम में क्या है, कुछ ना कुछ साहित्यों की रचना हुई है, लेकिन जो द्वितीय संगम था इसमें विशेष है, तोलकापियम साहित्य की रचना किस संगम में हुई, तो द्वितीय संगम में। वैसे प्रथम संगम में अगस्त्यम नामक साहित्य की रचना हुई है। तो बहुत सारे ये साहित्य हैं जिससे हमें जानकारी मिलती है संगम काल के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इस संगम काल में जो भी ये राजवंश थे इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पे मैप के माध्यम से आप ये देख सकते हो, ये है यहाँ पे चोल राजवंश, तो इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। चोल राजवंश जिसकी राजधानी कहाँ थी, उरैयुर, और इसका राजकीय चिन्ह क्या था दोस्तों, तो ये था बाघ। चोल राजवंश का राजकीय चिन्ह था बाघ। चेर राजवंश का जो राजकीय चिन्ह था वो था धनुष, और पांड्य राजवंश का राजकीय चिन्ह क्या था, तो ये था कार्प यानी मछली। तो तीनों राजवंशों के आपको राजकीय चिन्ह जरूर नोट करने हैं, चोल का हो गया बाघ, चेर का हो गया धनुष, और पांड्य का हो गया कार्प यानी मछली, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्रमुख शासकों की ओर, चोल राजवंश में कौन कौन प्रमुख शासक हुए हैं। तो चोल राजवंश का जो सबसे प्रतापी और सबसे प्रमुख शासक माना जाता है करिकाल को। करिकाल को दोस्तों जले हुए पैर वाला भी कहा जाता है, जले हुए पैर वाला किसे कहा जाता है, तो करिकाल को यहां पे कहा जाता है। सबसे प्रतापी राजा हुआ ये चोल राजवंश का। अब ये जो चोल राजवंश है, यहां पर मैं ये भी लिख रहा हूं कि संगम काल का चोल राजवंश, क्योंकि इस चोल राजवंश की दूसरी शाखा, उसका उदय फिर इसी स्थान पर दोस्तों, जो ये आप पे आप मैप देख रहे हैं, यहीं पे फिर इनका उदय होता है चोल राजवंश की दूसरी शाखा का, लगभग 809 ईस्वी के आसपास। तो इसलिए मैं ये यहां पे ये लिख रहा हूं कि ये जो चोल राजवंश है ये संगम काल का चोल राजवंश है। ठीक है, चोल वंश, और जो इसकी दूसरी शाखा होगी उसके बारे में अभी आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो ये संगम काल का चोल राजवंश है जिसका प्रतापी शासक कौन हुआ, करिकाल। करिकाल इसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। अब यहाँ पे जितने भी चोल राजवंश में अगर आप देखेंगे चोल राजा हुए हैं, चाहे प्रथम शाखा हो चाहे संगम काल की शाखा हो, चाहे इसकी दूसरी शाखा हो, जिसमें राजराज प्रथम हो गया, राजेंद्र चोल नामक शासक हो गए, ये दूसरी शाखा के अंतर्गत आते हैं, और इन्होंने भी दोस्तों क्या किया, श्रीलंका पर आक्रमण किया। तो ये चोल राजा हुए हैं, इन्होंने अधिकांश राजाओं ने क्या किया है, श्रीलंका पर आक्रमण किया है। तो करिकाल ने भी यहाँ पे क्या है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। करिकाल के पास एक कुशल नौसेना थी, नौसेना बिल्कुल यहाँ पे कुशल रही होगी, क्योंकि इसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की, समुद्री मार्ग को पार करके श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। इसका मतलब क्या है कि करिकाल के पास अपनी एक कुशल नौसेना रही होगी। तो आ सकता है एग्जाम की संगम काल में ऐसा कौन सा राजवंश था जिसके पास एक कुशल नौसेना थी,
तो वो था चोल राजवंश। उसके बाद करिकाल ने क्या किया कि जब वो श्रीलंका पर उसने विजय प्राप्त की तो श्रीलंका से लगभग 12,000 मजदूर लाए और यहां पे दोस्तों कावेरी नदी के मुहाने पर एक बांध का निर्माण कराया। कावेरी नदी पर बांध का निर्माण कराया किसने? करिकाल ने। और साथ ही साथ करिकाल ने एक नगर की स्थापना की कावेरी नदी के मुहाने पर, पुहार पतन। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पुहार पतन किस नदी के मुहाने पर स्थित है, तो कावेरी नदी के मुहाने पर। और इस पुहार पतन की स्थापना किसने की? तो चोल राजवंश, चोल राजा करिकाल ने। तो करिकाल के बारे में ये सारे फैक्ट आपको यहाँ पे नोट करने हैं। अब करिकाल की हमें जो जानकारी मिलती है, स्रोत क्या है, तो इसकी जानकारी दोस्तों हमें मिलती है शिल्पादिकारम से। शिल्पादिकारम एक तमिल साहित्य है, शिल्पादिकारम, इससे हमें जानकारी मिलती है करिकाल की। और इस शिल्पादिकारम में उल्लेख मिलता है कि करिकाल की एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था? आदिनंदी। आदिनंदी करिकाल की पुत्री थी। इसका विवाह होता है, यानी इसका जो पति होता है उसका नाम था आतन अति। और ये चेर राजकुमार था, ठीक है, क्योंकि ये दोनों समकालीन थे, चोल और चेर जो राजवंश थे। तो आदिनंदी का विवाह होता है आतन अति से, और इस आतन अति की दोस्तों मृत्यु हो जाती है कावेरी नदी पर डूबने के कारण। लेकिन जो आदिनंदी थी इसकी पत्नी, इसने अपने सतीत्व से इसको पुनः क्या किया था? जीवित किया था। इसका उल्लेख मिलता है शिल्पादिकारम से। तो ये भी आपको नोट करना है, शिल्पादिकारम, जिसमें करिकाल के बारे में जानकारी मिलती है, करिकाल की पुत्री आदिनंदी के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। अब यहाँ पे दोस्तों कावेरी नदी से याद आया कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है चोल राजवंश से संबंधित, कि संगम काल का जो चोल राजवंश था वो कौन कौन सी नदियों के मध्य से था। तो ये चोल राजवंश, ये आप मैप में देख रहे हैं, इसके उत्तरी भाग में यहाँ पे एक नदी थी, इसका नाम था पेनियार नदी। और यहाँ दक्षिणी भाग में ये कौन सी नदी है? तो ये है वेलारू नदी। तो संगम काल का चोल राजवंश कौन कौन सी नदियों के मध्य से था? पेनार और वेलारू नदियों के मध्य से था। तो ये था दोस्तों संगम काल का चोल राजवंश, इसके बारे में इतनी ही ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। लेकिन इसकी जो दूसरी शाखा आएगी, क्योंकि देखो अभी यहाँ पे मैं एक और फैक्ट ये बता रहा हूँ आपको, ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें बहुत कम आने वाला है। यहाँ पे अभी ये चोल राजवंश था, कुछ समय बाद यहाँ पे आ जाएगा पल्लव राजवंश। अभी कौन है? अभी ये चोल राजवंश, संगम काल का चोल राजवंश। इसके बाद यहाँ पे पल्लव राजवंश आ जाएगा, और फिर जो पल्लव राजा होंगे वो चोलों को क्या बनाएंगे? अपना सामंत बनाएंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा पल्लवों का साम्राज्य, पल्लवों का अधिकार। फिर लगभग 800 और 900 ईस्वी के आसपास दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर चोल राजवंश की दूसरी शाखा। और इस राजवंश में दोस्तों जो चोल राजवंश की ये दूसरी शाखा है, इसमें बहुत से महान प्रतापी शासक हुए, और सबसे प्रतापी शासक राजेंद्र चोल, जिसने पूरे श्रीलंका को जीता था। यहाँ पे ये पांड्य चेर राजवंश को सबको पराजित करके, और यहाँ तक कि वो बंगाल तक आक्रमण कर देता है यहाँ ऊपर, तो काफी बड़ा साम्राज्य फैला देता है राजेंद्र चोल अपना, चोल राजवंश का, ठीक है। तो वो द्वितीय शाखा से संबंधित है और वो काफी इंपॉर्टेंट शाखा है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ पर अभी आपको ये ध्यान देना है कि अभी यहाँ पे ये चोल है, इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे पल्लव। तो पहले हम पल्लवों के बारे में पढ़ेंगे और फिर यहाँ पे चोल राजवंश की दूसरी शाखा के बारे में पढ़ेंगे। तो जो सेकेंड वीडियो यहाँ पे दक्षिण भारत की आने वाली है, उसमें सिर्फ हम इसी साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको यहीं पे वो बता दे रहा हूं, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो आगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और संगम काल का जो दूसरा राजवंश है वो है यहाँ पे चेर राजवंश। चेर राजवंश का यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं, ये है चेर राजवंश, ठीक है। और इनकी राजधानी कहाँ है? तो वो है करूर, ठीक है। देखो यहाँ पे राजधानी करूर है, और राजकीय चिन्ह क्या है? तो धनुष है चेर राजवंश का। चेर राजवंश को दोस्तों केरल देश भी कहा जाता है, क्योंकि केरल के आसपास है केरल देश, या इसको पर्वतीय देश भी कहा जाता है,
पर्वतीय देश, और ये चेर राजवंश है, ये संगम काल का सबसे प्राचीन राजवंश माना जाता है चेर राजवंश को। इसकी राजधानी करूर हो गई और राजकीय चिन्ह हो गया धनुष। चेर राजवंशों के प्रमुख शासकों के बारे में जान लेते हैं। तो इसका जो प्रथम शासक था यानी संस्थापक था वो था उदयनजरेल, उदयनजरेल जो कि प्रथम चेर शासक जिसे माना जाता है। और उदयनजरेल को दोस्तों महाभोज उदयनजरेल भी कहा जाता है, महाभोज उदयनजरेल। और महाभोज उदयनजरेल क्यों कहा जाता है कि तो कहावतों में या कथनों में ऐसा कहा जाता है कि उदयनजरेल ने महाभारत कालीन योद्धाओं को, जो कुरुक्षेत्र में जिन योद्धाओं ने युद्ध किया था, उनको भोजन करवाया था। लेकिन महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो तो काफी साल पहले हो गया था, और ये लगभग दोस्तों यहाँ पे पहली दूसरी शताब्दी के आसपास की बात है जो हम यहाँ पे चेर राजवंश के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो कहीं भी ये तथ्य में क्या नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है। तो कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि शायद जो कुरुक्षेत्र में जिन योद्धाओं ने लड़ाई लड़ी है उनके वंशजों को इसने खाना खिलाया होगा कुरुक्षेत्र में, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, महाभोज उदयनजरेल कहा जाता है। महाभोज की इसको उपाधि दी गई है उदयनजरेल को, प्रथम चेर शासक। उसके बाद चेर वंश में जो सबसे प्रतापी शासक आया, वैसे उदयनजरेल के बाद यहाँ पे नेटुनजरेल आर्न आया, उसके बाद कुटवन आया, और उसके बाद जो सबसे प्रतापी शासक हुआ चेर राजवंश का सेन गुटवन। इससे मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन ये बनता है कि किस शासक ने कनगी पूजा या पत्नी पूजा आरंभ की, तो वो था सेन गुटवन जिसने कनगी पूजा आरंभ की। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिखिए पत्नी पूजा, क्योंकि जो कनगी पूजा हुआ करती थी इसमें पत्नी की पूजा की जाती थी, तो पत्नी पूजा या कनगी पूजा आरंभ करने वाला शासक कौन था, सेन गुटवन। और ये किस राजवंश से संबंधित था, तो ये था चेर राजवंश से संबंधित, इसे लाल चेर और भला चेर भी कहा जाता है। तो संगम काल का जो चेर राजवंश था इसके बारे में इतना ही उल्लेख यहाँ पे मिलता है, ज्यादा कोई ऐतिहासिक विशेष जानकारी नहीं है। यहीं से अगर क्वेश्चन बनेंगे तो वो दोस्तों इतने से ही यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पे एक तो राज के चिन्ह आपको नोट करना है, और एक उदयनजरेल आपको नोट करना है, और सेन गुटवन की कणगी पूजा या पत्नी पूजा जिसे कहा जाता है। उसके बाद जो तीसरा यहाँ पे राजवंश है वो है पांड्य राजवंश। पांड्य राजवंश, इसकी राजधानी थी मदुरई। पांड्य राजवंश की राजधानी थी दोस्तों मदुरई, और राजकीय चिन्ह क्या था, कार्प यानी मछली। अब एक क्वेश्चन बनता है कि पांड्य राजवंश का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया, तो मेगास्थनीज की जो बुक है इंडिका, इंडिका किसकी पुस्तक है, मेगास्थनीज। तो पांड्य राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम दोस्तों मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और जो पांड्य राजवंश है इसका शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराना देश, तो प्राचीन या पुराना देश भी किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है पांड्य राजवंश को। राजधानी होगी मदुरई, और ये जो मदुरई है ये भी आपका जो तिरुनवेली क्षेत्र है उसके आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पे मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये है पांड्य राजवंश, ठीक है। चोल चेर और पांड्या। अब देखते हैं पांड्य राजवंश में कौन कौन से शासक हुए, तो पांड्य राजवंश में जो शासक हुए, प्रथम शासक यहाँ पे नेडियोन, नेडियोन को पांड्य राजवंश का प्रथम शासक कहा जाता है, और नेडियोन ने यहाँ पे समुद्र पूजा आरंभ की, समुद्र पूजा आरंभ करने वाला शासक नेडियोन, जबकि पत्नी पूजा आरंभ करने वाला शासक वो था सेन गुटवन, वो चेर राजवंश से संबंधित था, नेडियोन का संबंध है पांड्य राजवंश से। उसके बाद यहाँ पे दूसरा शासक हुआ अलसाले मुद्दुडुमी, इसको पांड्य राजवंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक माना जाता है। उसके बाद तीसरा शासक यहाँ पे नेडुजेलियन, ये पांड्य राजवंश का प्रसिद्ध शक्तिशाली शासक हुआ, इसने एक युद्ध लड़ा जिसमें इसने चेर हो गया, चोल हो गया, इन सबको हराया, और उस युद्ध का नाम था तलैया लंगानाम युद्ध। तो तलैया लंगानाम युद्ध किस किस के बीच हुआ था, पांड्य राजवंश और चोल चेर और उनके पांच मित्र सामंतों के मध्य, यानी ये एक तरफ थे, और पांड्य राजा जो ये नेडुजेलियम है, नेडुजेलियन ये एक तरफ था। तो तलैया लंगानाम युद्ध में नेडुजेलियन ने चोल और चेर शासकों सहित तो उनके पांच मित्र सामंतों को पराजित किया था, तो इसका मतलब यही निकलता है कि ये
पांड्य राजवंश का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक रहा होगा। और उसके बाद दोस्तों संगम युग का अंतिम पांड्य शासक माना जाता है नल्लियुग कोडन को। ठीक है, तो ये संगम काल के प्रमुख जो राजवंश थे चोल चेर पांड्य राजवंश, इनसे संबंधित जो भी प्रमुख राजा हुए हैं उनके बारे में दोस्तों आज हमने यहाँ पे चर्चा की है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपको समझना यहाँ पे जरूरी है कि नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक वो आने वाला है और वो कहां से आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको क्या बताया संगम काल में चोल चेर और पांड्य के बारे में। अब ये चोल राजवंश है ये कुछ समय बाद संगम काल के चोल राजवंश क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा और यहाँ पे दोस्तों एक नए राजवंश का उदय होगा जिसका नाम है पल्लव राजवंश। पल्लव राजवंश तो कल हम यहाँ पे पल्लव राजवंश से शुरू करेंगे और फिर पल्लव राजवंश कुछ समय तक यहाँ पर शासन करता है और पल्लव राजवंश के बाद दोस्तों यहाँ पे पुनः चोल वंश की स्थापना होती है। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि अभी तो ये चोल है, अब जब यहाँ पे पल्लव शासन करेंगे तो पल्लव इन चोलों को क्या बनाएंगे अपना सामंत बनाएंगे। ठीक है, तो कुछ समय बाद लगभग 800-900 ईस्वी के आसपास फिर ये चोल क्या करेंगे शक्तिशाली हो जाएंगे और पल्लवों को परास्त करके फिर यहाँ पे चोल राजवंश की दूसरी शाखा स्थापित करेंगे। तो इसके बारे में दोस्तों हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और आज जो संगम काल में जितने भी राजवंश हुए तीन राजवंश चोल चेर पांडे इनके बारे में डिटेल्स में हमने यहाँ पे चर्चा की है। तीनों संगमों के बारे में भी हमने यहाँ पे चर्चा की है और इन तीनों संगमों के स्थान और अध्यक्षता किसने की ये आपको विशेष तौर पर नोट करना है। तो दोस्तों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ये हिस्ट्री की सीरीज आपके लिए कितनी हेल्पफुल हो रही है ये भी आप जरूर बता सकते हैं कमेंट में। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।